नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे ब्राइट कॉम ग्रुप यानी BCG की। जी हाँ, बहुत बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा था उसका जवाब दिया इन्होंने, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके रिजल्ट्स भैया कब आने वाले हैं उस पर इन्होंने अपडेट दिया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऊपर जाके फंस गए हैं जिन्होंने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा था, जिस पर मैंने बताया था पूरा जो सेबी ने यहाँ पर शो कॉज नोटिस जारी किया था इन पर, बहुत सारा जो अकाउंट्स में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, अगर आपको वो पता होगा तो इसमें पक्की बात है फंसे नहीं होंगे। जिनको नहीं पता होगा वही फंसे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन इसमें फंसा है। वीडियो शुरू करने से पहले, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। SHARE स्मॉल में, BAZZ कैपिटल में है। केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता हूँ, जैसे ये ब्राइटकॉम वाली न्यूज़ देखी मैंने, इसमें पहले ही डाल दी थी है ना। और अपने वीडियोस के लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ, कोई अननेसेसरी के मैसेज यहाँ नहीं डालता हूँ, ना ही मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं डालता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालता हूँ। कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ भैया बच के रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये मुश्किल से अभी 15-20 मिनट पहले का ये अपडेट आया है, 19 मई का है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर BSE को लिखा है इन्होंने, और यहाँ पर भैया पहले तो BSE ने इनसे पूछा था, क्लेरिफिकेशन मांगा था कि भैया जो इतना तगड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका आप जवाब दीजिए, क्यों अचानक से इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है और क्या हो रहा है। तो भैया देखिए, इस तरह का जब कभी भी कोई एक्सचेंज किसी कंपनी से सवाल जवाब करती है तो यहाँ पर एक रटे रटाए लिखे लिखाए जवाब होते हैं, वही ये लोग बढ़िया चिपका देते हैं कि भैया हम प्रॉपर तरीके से कंपनी में हमारे जो कुछ हो रहा है सब आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमने आपसे कोई चीज़ हाइड नहीं करी है, सब कुछ हमने आपको बता रखा है, और जो भी नियम कानून के तहत है वो हम आपको पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, फिलहाल हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है ये देखिए, ये भी आज का ही है, 19 मई का है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, एडॉप्ट ऑफ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यहाँ पर कब मीटिंग होने वाली है, ट्यूसडे में 30 2023 को, यानी कि 30 मई 2023 को यहाँ पर आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, टू रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड इफ़ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2023, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ डिविडेंड वगैरह की भी घोषणा की जाए। बाकी हम जो ट्रेडिंग विंडो है उसके क्लोजर का यहाँ पर दिया है कि बंद रहेगी, और ये सब जो भी मामला है उस पर हम लोग जाने का कोई मतलब नहीं है। गाइस देखिए, जिनके पास ये पड़ा हुआ है ऊपर, आपको एक चीज़ बहुत समझ लेनी है, जो बहुत मुझे पता है लोगों ने 80-90-100 रुपये पे ले रखा और इस समय 10-14 रुपये पे आसपास चल रहा है फिलहाल, है ना, 14-80 रुपये पे। तो भैया उनके पास कोई चारा नहीं है, इतने रुपए पे निकलने से का क्या मतलब है, आपको तो होल्ड कर लेना चाहिए। देखिए अभी क्या है, अभी तो इन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है सेबी को, और सेबी ने शो कॉज नोटिस इनको जारी किया हुआ है कि भैया इन्होंने अकाउंट से हमने फिर हेर फेर करी, तभी तो इतना ज़्यादा इन्होंने फंडामेंटल्स वगैरह आप देखेंगे तो कितने अच्छे हैं इनके भाई। ROC देखिए 29.4, ROE देखिए 21.3, प्रमोटर नहीं है गाइस, वो बहुत बड़ा डिफॉल्ट चीज़ है, मतलब गलत कम अच्छी चीज़ है ये कि प्रमोटर मात्र 18% है, उसमें भी 4.63% प्लेज है, बस ये एक अच्छी चीज़ है कि भैया डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। गाइस देखिए, मैं इसका पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूँ, यहाँ मैं केवल आपके सामने नेट प्रॉफिट इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप ये देखिए कि मतलब 371 करोड़, 223 करोड़, 277, 321, 544 करोड़, बढ़िया अप ट्रेंड, और इस तरह के बड़े बड़े इस तरह के जो प्रॉफिट्स आते हैं ना बड़े बड़ी दिग्गज कंपनियों के भी नहीं आते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या भैया, इसके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने भैया अकाउंट से अपने हेर फेर किया था, जिसका सेबी ने पूरी जाँच करी, काफ़ी सालों से जाँच कर रही थी सेबी, और सेबी ने भैया इनको शो कॉज नोटिस जारी किया और बताया कि भैया आपके अकाउंट में हेर फेर है, जो नियम कानून है, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो सारी तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं उस तरीके से आपका अकाउंट नहीं पाया गया है, और इसी के चलते यहाँ पर आपको धराशायी होते हुए दिखा था जब ये इससे पहले वाले फेज़ में गिरा था, 10 रुपये तक आया था। तो अभी भैया इन्होंने कोई जवाब तो ऐसा नहीं दे दिया, ना इन्होंने ये बरी हो गए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी तो फिलहाल चली रही हैं, तो इसीलिए मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं लाया, क्योंकि जब अकाउंट में सारी चीज़ें इन्होंने हेर फेर कर रखी हैं तो भैया कैसे भी आप इन्फ्लेट कर दीजिए, कितना भी नेट प्रॉफिट दिखा दीजिए, फिर तो क्या है, जब कोई चीज़ जेन्युइननेस है ही नहीं तो उस पर चर्चा करने का क्या मतलब है। FII देखेंगे तो भैया FII अपनी होल्डिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, 12.15, 13.55, 14.55, 15.79, March 2023 का मामला है ये। और DII भी अगर आप देखेंगे तो लगातार देखिए 0.5, 0.06, 0.08, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 3 क्वार्टरों से आपको DII भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं भैया। गवर्नमेंट भी फिलहाल आ गई है यहाँ पर 0.01% लेके कुछ, बाकी जो बचा मामला है वो पब्लिक का है, और जब पब्लिक जहाँ पर ज़्यादा होगा इसमें आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि भैया वहाँ से आप क्या कहते हैं बच के रहिए। अच्छा, हम लोगों ने मार्केट कैप नहीं देखा, मार्केट कैप आप एक बार जरूर देख लीजिए, 2,945 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं, बहुत छोटा मार्केट कैप है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम कितना तगड़ा जनरेट कर रहा है, 1 वीक का एवरेज देखिए 3 करोड़, 1 मंथ का एवरेज देखिए 3 करोड़, यस्टरडे की बात करेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है, और आज की बात देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है। तो अचानक से इतना ज़्यादा जो बल्क में वॉल्यूम आने लगा है, इसी की वजह से यहाँ पर सेबी ने क्लेरिफिकेशन मांगा था।
अब बात करते हैं इसके चार्ट की। गाइस ये वनडे कैंडल है, आप देख पा रहे हो लगातार धराशायी होने के बाद यहाँ से वो गिरावट आई थी, उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया ऑपरेटर ने इसको पंप किया और यहाँ पर ऊपर ले जाके अपना माल यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पर आपको गाइस ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। सेम यही चीज़ अक्षिता क्वार्टर में हुई है, हालांकि ये ऊपर से अच्छा खासा गिर चुका है और यहाँ पर पता है कि लोग यहाँ से पैनिक होंगे। लोग अब जब ये भाग रहा होता है तो लोग खरीदने आते हैं, जब खरीदने आते हैं यहाँ पर बढ़िया अच्छा खासा जब क्वांटिटी में ऑर्डर लग जाते हैं खरीदने के लिए तो बढ़िया ये अपना सेल कर देते हैं। और जब ये नीचे आ जाएगा ना, लोग पैनिक होते होते सेलिंग ऑर्डर खूब सारे लग जाएंगे, मान लीजिए 50 लाख, अभी तो 1 करोड़ से ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो इन लोग भी क्या करते हैं, बढ़िया 1 करोड़ शेयर खरीदते हैं। आप मैं अगली बार जब इस पर वीडियो लेके आऊँगा तो आपको सामने डाटा लेके आऊँगा कि कौन बड़ी बड़ी मात्रा क्वांटिटी में खरीद रहा है। इसका जो भी जो वही जो अक्षिता क्वार्टर में कर रहा है ना, क्या नाम है उसका, मल्टीप्लायर करके कुछ है, उसमें भी वही खरीद बेच कर रहा है। इसमें भी लगभग 1 करोड़ का शेयर एक बार में खरीदता है फिर बेचता है, 1.5 करोड़ शेयर एक बार में खरीदता है बेचता है। तो वही यही सारे लोग हैं जो गाइस ऊपर नीचे फटाफट करते हैं और यहाँ पर रिटेलर ट्रैप होते हैं। गाइस आप हमेशा ध्यान रखिए पैनिक स्टॉक्स में केवल उतना ही पैसा लगाएं जितना डूब जाए खो जाए तो टेंशन ना हो। मार्केट कैप देखा करिए, बहुत छोटा होगा तो आराम से कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ईजिली ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आप भैया इसमें सावधान रहिए, ऑपरेटर्स के आप साइकोलॉजी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, आप हमेशा उनके साथ आप चलने की कोशिश करेंगे आप ट्रैप ही होंगे। हो सकता है एक दोबारा प्रॉफिट बना लें लेकिन हमेशा आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, जो प्रॉफिट बनाया होगा वो भी आप लॉस कर बैठेंगे। चलिए गाइस कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।